Hello and very good evening all my dear students, welcome to An Academy and Advait Education ANJ exams. This is Ranjan. स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन बिना डिले किए. तो आई होप आप सभी बच्चे एकदम मस्त तरीके से रेडी हो गए होंगे आज का क्वेश्चन सेशन बनाने के लिए. आज पहुंच गए हम लोग डे नंबर 4 पर. ठीक है, फोर्थ डे, वैसे देखा जाए तो फिफ्थ डे है, जीरो को काउंट करके हम लोग फोर्थ पर पहुँचे हुए हैं. तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन पहले आप लोगों के तक पहुँचा दिया जाए. तो अन अकेडमी की तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यू कैन सेव बिग ऑन एसएससी जेन स्टेट एज सब्सक्रिप्शंस. फ्लैट 20% का डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है, जिसमें कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड क्लासेस मिल जाता है, एक्सेस टू द क्लास पीडीएफ इन ऐप एजुकेटर कम्युनिटी, एक्सेस टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज, एक्सेस टू मल्टीपल एएनजेई एग्जामिनेशंस. यहाँ पर ऑफर चल रहा है इस कोर्स के लिए, और इस कोर्स का ये जो ऑफर है आज यानी कि 14 अप्रैल को एंड हो रहा है. ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स के आसपास का समय बचा हुआ है इस कोर्स के लिए ऑफर प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस पर इसको परचेस करने के लिए. ठीक है, इसके अलावा बात करें तो इस बैच में अक्टूबर 2023 का जो एग्जामिनेशन, इस एक्सक्लूसिव बैच में जो कि 31 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिलता है. इलेक्ट्रिकल का बैच एफ है, जिसमें कि स्टार्टर सब्जेक्ट्स जो है वो आप देख सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट्स आपके कैसे कौन कौन से स्टार्ट हो चुके हैं, किस किस टाइमिंग पर अवेलेबल है, और यहाँ पर शोन सभी फैकल्टीज़ का पढ़ाया हुआ कंटेंट भी आपको साथ साथ इसके अंदर मिलता है. इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अपॉन दिस नंबर. एंड रही बात प्राइस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर टारगेट अक्टूबर 2023 का एग्जामिनेशन आप रखते हैं तो 6 महीने के ड्यूरेशन का ये कोर्स आपको मिल रहा है अभी 7,245 रुपीज़ में. बता दूं कि अगेन कि ये ऑफर प्राइस है, और ये ऑफर प्राइस केवल 14 अप्रैल तक अवेलेबल है. जैसे टारगेट 2024 के एग्जामिनेशन का अगर आप रखते हैं तो 24 मंथ्स के ड्यूरेशन का ये कोर्स इट इज़ अवेलेबल जस्ट एट ₹10,578. और इस पर आप GA1111 ये कोड इस्तेमाल करके 10,578 रुपये में इस कोर्स को पा सकते हैं 24 महीने वाले को, या 7,245 रुपये में 6 महीने के ड्यूरेशन वाले इस कोर्स को पा सकते हैं. ठीक है, तो ये ऑफर चूँकि आज एंड हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये 6 आवर्स जस्ट रिमेनिंग है, 6 आवर्स टू गो. फ्लैट 20% ऑफ का ये ऑफर है जो अभी जस्ट आप लोगों ने देखा. तो कोड यूज़ करना ना भूलें, तभी आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस का बेनिफिट जो है वो मिल पाएगा. अगर ये कोड नहीं यूज़ कर पाए तो डिस्काउंटेड प्राइस का बेनिफिट जो है वो मिस हो जाएगा. ठीक है, तो ये ज़रूर से आप लोग यूज़ करिएगा. एंड इन केस ऑफ एनी एडिशनल क्वेरीज आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मस्त तरीके से. आई होप आप लोग सब एकदम तैयार होंगे, रेडी होंगे. शिवी वेरी गुड इवनिंग डियर. तन्मय, सगुन वेरी गुड इवनिंग माय डियर. और जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस सेशन. आज का टारगेट क्या है, आज क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ना है, चलिए देखते हैं. तो ये सभी हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने जा रहे हैं आज. ज़्यादातर वैसे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही क्वेश्चन ज़्यादा हैं. एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चन ना के बराबर है आज की क्लास में. UEET का क्वेश्चन दिखेगा आपको, NCS और एनर्जी ऑडिट का दिखेगा. इन दोनों का क्वेश्चन बहुत कम या नेग्लिजिबल, एक या बिल्कुल एक भी नहीं, इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पर इसमें आज बनाने वाले हैं हम लोग. ठीक है, तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज देखें आज का क्या टारगेट मिल रहा है आप लोग को. Day 4 पे हैं आप लोग, लेवल चल रहा है इस पर बेसिक, ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे. आज थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड रहेगा सेशन, इजी की तुलना में मॉडरेट की. शुरुआत के कुछ 1-2 क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, फिर थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन पे जाएंगे, बीच बीच में इजी क्वेश्चंस आते रहेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या है, आज आपको अटेंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज मिनिमम 15. कम से कम 15 सवाल आपको अटैम्प्ट करना है 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट्स में. ठीक है, 15 क्वेश्चन का टारगेट है. क्योंकि मॉडरेट है तो इसलिए कुछ क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो टारगेट है थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, 18 से कम होकर अब 15 रखा गया है. ऑल क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स ईच, रॉन्ग आंसर का -1 मार्क. आज स्कोर करना होगा आपको 11 नंबर टू क्वालिफाई. कल तक ये 10 था, आज 1 मार्क्स बढ़ करके अब 11 मार्क्स हो गया टू क्वालिफाई. तो इतना आपको स्कोर करना है. मेरिट में आपको जब जगह बनानी है तो उसके लिए थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, डे बाय डे आप लोग को. तो ये आगे बढ़ना है और ये करना है. ठीक है, चलिए. वेरी गुड इवनिंग डियर उत्कर्ष. सगुन ने लिखा आज का टारगेट 20+ सर. ठीक है, अगर वहाँ तक पहुँच गए तो वेल एंड गुड है. देखिए ये तो मिनिमम है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ 15 इज द बेयर मिनिमम टारगेट, कि कम से कम इतना तो बनाना ही. इसके ऊपर आप जितना भी आगे जाएं गिवन टाइम है, लेकिन समय फिक्स है 60 मिनट, उससे आगे नहीं. ठीक है, इतने ही देर में आप लोग को बनाना है. ठीक है, तो ये कोशिश रखिएगा उत्कर्ष. बिल्कुल बिल्कुल, डाउट बताइए आप, है ना. आप इस पर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, या इस पर भी अगर आप पूछें अभी सेशन में भी तो पूछ सकते हैं. सपना वेरी गुड इवनिंग डियर. चलिए स्टार्ट करें, सभी लोग तैयार हैं क्या. पहला क्वेश्चन लेकर के आए बोर्ड पर, अगर आप लोग सब रेडी हैं तो. ये प्रैक्टिस जो है ये डे बाय डे हमको अच्छे से और इंक्रीज करते जाना है। स्टारलिंग स्टार, वेरी गुड इवनिंग डियर। तो लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पहला सवाल लेकर के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक सर्किट आया हुआ है, लिखा हुआ है इन इफ अ डीसी सप्लाई ऑफ 180 वोल्ट्स इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल्स ए बी इन द फिगर देन करंट इन 6 ओम रजिस्टर will be how much? The current in 6 ohm resistor will be how much? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी फटाफट से इसका आंसर बताइएगा आप लोग, एकदम मस्त तरीके से फटाफट से आप लोग इस सवाल का आंसर बताइएगा कि क्या हो रहा है। तो लास्ट मैसेज अभी तक सीन नहीं हुआ उत्कर्ष का, उत्कर्ष का कंप्लेन जो है ये चल रहा है, ठीक है ठीक है। मैं फिर से आज लेक्चर जैसे ही एंड होगा मैं तुरंत लास्ट मैसेज सीन करके पहले रिप्लाई करूंगा उत्कर्ष, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी फटाफट से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर डीसी सप्लाई 180 वोल्ट का हम लोग कनेक्ट करते हैं इस ए और बी पॉइंट्स के बीच में, तो करंट जो है वो 6 ओम के रजिस्टर से इससे कितनी करंट गुजर रही होगी? 10 एम्पियर, ए ऑप्शन सभी का आ रहा है। सगुन, उत्कर्ष, प्रीतम, तन्मय, टैलेंट आरपी, शिवी, अभिजीत, सबका आंसर आ गया ना, ए ऑप्शन 10 एम्पियर। कैसे आया 10 एम्पियर? भाई हम लोगों ने 180 वोल्ट की सप्लाई यहां पर कनेक्ट की ना, 180 वोल्ट्स, तो करंट टोटल कितना जाएगा पहले तो ये पता लगा लेते हैं। 18 और 18 दोनों को मिला के हो गया 9, ठीक है, और 9 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है, 180 वोल्ट है, तो आई विल बी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज 20 एम्पियर। टोटल करंट आप 20 एम्पियर भेजते हो, ये करंट यहाँ से दो हिस्से में डिवाइड होती है, मान लेते हैं दिस इज I1 एंड दिस इज I2, तो दोनों जगह की ब्रांच की रेजिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, कोई फर्क नहीं है इसमें, ये भी 18 है, इसको भी आप सम कर दोगे तो यहाँ 18 ही जाएगा, तो इस ब्रांच में जो करंट जाएगी वही 6 से गुजरने वाली है, तो भाई ये 20 एम्पियर बराबर मात्रा में डिवाइड हो जाएगी 10 और 10 में, ठीक है, और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर। आसान सा बढ़िया सा क्वेश्चन, ईजी प्लस 1 मार्क्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे एक सर्किट बना हुआ है, लिखा हुआ है फॉर द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी इज हाउ मच? फॉर द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी, इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज जो है वो कितना होगा? यहां पर 10 वोल्ट का सोर्स है, ऊपर पॉजिटिव साइन, देखिए यहां पर पॉजिटिव साइन है और यहां पर नेगेटिव साइन है। दिस इज 1 ओम का रेजिस्टेंस, मैं बगल में सबके लिख देता हूँ, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम, और ये 10 वोल्ट है, ठीक है, अगर ये आइडेंटिफाई ना हो रहा हो तो अब ट्राई करिएगा इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना है कि वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कितना होगा? अभिजीत का आंसर सबसे पहले आया बी ऑप्शन के साथ, तो YouTube वाले पार्ट में भी जल्दी ही आप लोग के लिए पोल अब आने वाला है, मज़ा आएगा। अभी कुछ दिन तो अभी नहीं है, बट आगे चल के जल्दी ही पोल इंट्रोड्यूस हो रहा है आप लोग के लिए YouTube पर भी, तो बेस्ट रहेगा, मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे आप लोग क्वेश्चन, और लीडर बोर्ड जब जनरेट होगा तो एक कंपटीशन वाला पार्ट रहेगा, है ना, कि कितने देर में कितना आप लोग आंसर तो ऑलमोस्ट सबका सही आ रहा है जैसा मैं देख पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, अभिजीत का आंसर बी ऑप्शन है, सगुन का आंसर है 4 वोल्ट, बी ऑप्शन इज़ 4 वोल्ट, ठीक है, और शिवी का आंसर बी ऑप्शन है, मनोरंजन का आंसर है बी ऑप्शन, निकिता का आंसर ए ऑप्शन, अच्छा पिछले क्वेश्चन का था, ठीक, तन्मय का आंसर क्या आया, सी ऑप्शन आ रहा है क्या? चलिए आंसर अप करके आप लोग का आंसर देखते हैं क्या क्या आंसर किए हैं अभी तक। प्रीतम का आंसर क्या आया, बी ऑप्शन आया, ठीक है। इस क्वेश्चन में ए और बी के अक्रॉस आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना वोल्टेज होगा, तो ये कैलकुलेट करने का तरीका, या तो आपको करंट पता चल जाएगी यहाँ से कितनी करंट जा रही है, तो उसके लिए टोटल करंट पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, या इस सेक्शन का अगर मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करूँ तो मुझे आई इज इक्वल टू वी बाई आर की वजह से 10 एम्पियर की करंट जाती हुई दिखेगी, यहाँ पर 1 ओम, इसके सामने एक और 1 ओम, और इसके सामने 2 ओम, ठीक है, ये 3 सेक्शंस हैं, ये 2 ओम वाला, ये 1, और ट्रांसफॉर्मेशन करने की वजह से ये 1, तो इस वाले 1 के अक्रॉस की करंट आपको चाहिए जिससे आप वोल्टेज बना लोगे, ठीक है, 3 हिस्से में डिवाइड हो रही है, इन दोनों में बराबर, और बचा हुआ हिस्सा इसमें करंट का जा रहा है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं कि अपॉन में आप 2 लिख दिए, 2:2:1 इसमें, दैट इज 5 यूनिट्स ऑफ करंट बराबर 10, ठीक है, 5 यूनिट्स ऑफ करंट बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर 10/5 विच इज इक्वल टू 2, तो मतलब 2 × 2 4 एम्पियर, 2 × 2 4 एम्पियर और 2 × 1 2 एम्पियर, इतनी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब 4 × 1 कर देंगे तो 4 × 1 4 वोल्ट, बी ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है हमको इस दोनों सेक्शन पे। दूसरा तरीका, आप सिंपली यहाँ पर केसीएल लगा दीजिए, ठीक है, केसीएल लगा के आप वीए की वैल्यू निकाल लीजिए, वो भी एक आसान तरीका है, किसी से भी आप सॉल्व करिए। मैंने क्या किया यहाँ पर एक रैंडमली एक रेशियो मेथड मैंने यूज़ कर लिया, ये भी, बट ये जो मैं जितना मैंने लिखा हुआ है ये लिखना नहीं है आपको, ये सब माइंड में ही सॉल्व करना है, क्योंकि 10 है, 5 है, बेसिक डेटा है, आप सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा डेटा, एकदम फुल राउंड नंबर्स में आएगा, तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उत्कर्ष लिखा कि मेरा डाउट ये है सर कि स्विच बोर्ड का स्विच मैकेनिकली कैसे ख़राब हो जाता है, स्विच के अंदर ना स्प्रिंग लगी होती है, नॉर्मली जो उसके अंदर जो ख़राब होता है वो अंदर की स्प्रिंग जो है वो ख़राब हो जाती है उत्कर्ष, तो मैकेनिकली क्या होता है कि उसके अंदर की लगी हुई स्प्रिंग जो होती है, कभी बहुत पुराना स्विच हो गया, जंग लग गया उसके अंदर, रस्टिंग हो गई, तो अब वो क्या करेगा, वो स्प्रिंग काम ही नहीं करेगा, आप उसको प्रेस कर, छोटा सा एक प्लेट जैसा रहता है, पतला सा मेटल का प्लेट रहता है और एक स्प्रिंग रहती है जो उसको अटैच करके रखती है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रेस करते हैं तो वो प्रॉपर ऑफ ऑन नहीं हो पाएगा, ऑन तक पहुंचेगा ही नहीं, वो अटक जाएगा, थोड़ा सा आपको ताकत लगानी पड़ेगी उसके ऊपर, तब वो पहुंचेगा आखिरी तक ऑन तक, क्योंकि अंदर का प्लेट रस्टेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, नॉर्मली यही चीज़ होता है, मतलब वो ना, हाँ यही वाला प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हो ना, एग्जैक्टली ये चीज़ होता है। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि रस्टिंग हो गई है ना, मॉइस्चर वगैरह की वजह से, तो वो स्विच खराब हो जाता है, रेगुलर ऑपरेशन करते करते में ये होता है इसमें, ठीक है। तो 4 वोल्ट बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए फटाफट से अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द नेटवर्क शोन बिलो इज हाउ मच, जल्दी से कैलकुलेट करिएगा, बहुत आसान है। द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द नेटवर्क शोन बिलो इज हाउ मच, 1 वोल्ट का सोर्स है यहाँ पर, 1 एम्पियर का सोर्स है, आरटीएच निकालना है आपको बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो उसके लिए पूरा स्विच चेंज करना पड़ता है। हाँ, इसके लिए पूरा स्विच ही चेंज करना पड़ता है, उसको रिपेयर करने का कोई चक्कर नहीं होता, वो पूरी तरह से फैब्रिकेटेड रहता है, तो उस पर ऐसा चेंज नहीं, वो नहीं कर सकते हैं कुछ। इस क्वेश्चन का आंसर, शिवी का आंसर है सी ऑप्शन, सपना का आंसर है बी ऑप्शन, अभिजीत का आंसर है सी ऑप्शन, प्रीतम सी ऑप्शन, निकिता सी ऑप्शन, ठीक है, पुनीत, शिवी, सगुन, मनोरंजन, सबका आंसर सी ऑप्शन आया क्या? 2 ohms, कितना आंसर आ रहा है भाई, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। इसमें वीटीएच पूछता तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। चलिए, इसमें क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इसी में वीटीएच की जरा वैल्यू भी बताइएगा मुझको। आरटीएच पूछा था, बड़ा ही आसान था, इसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे लेके जाते हैं, वीटीएच फाइंड करके बताइएगा मुझे इस क्वेश्चन में। वो भी आसान है, एकदम ईजी है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं हुआ, बहुत ईजी है, बट फाइंड करते हैं, चलिए ट्राई करिए एक बार सभी लोग। 2 ohm इज द राइट आंसर, आप सभी का आंसर, जितने लोगों ने सी ऑप्शन लिखा हुआ है 2 ohm, बिल्कुल सही है, 2 ohm यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से इस 2 का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो एक ही 2 बचेगा, तो आरटीएच इज 2 ohm, दैट इज राइट। व्हाट अबाउट वीटीएच, देखते हैं वीटीएच का आंसर क्या आता है। सबसे पहला आंसर अभिजीत का है 3 volts, जल्दी से वीटीएच बताइएगा। चलिए, मैं आपको वीटीएच का ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस 4 में से एक आंसर है, आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। वीटीएच +3 भी है, -3 भी है, सब टाइप का ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ लेता है आपसे, ऐसे जब इजी सर्किट्स होते हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि दोनों ही चीजें पूछ लेगा। कभी आपको लिखेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ वीटीएच एंड आरटीएच आर रेस्पेक्टिवली दिस, तो 2 वैल्यूज यहाँ पे दी होगी, कभी इंटरचेंज कर देगा, तो जब रेस्पेक्टिव वाला पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सामने क्या लिखा हुआ है। सामने वीटीएच लिखा है तो पहली वैल्यू वीटीएच की होगी, बगल में आरटीएच लिखा है तो सेकंड वैल्यू आरटीएच की होगी। मान लीजिए यहाँ वीटीएच पूछ भी लिया, तो इसका कैसे आंसर करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर आप अगर ए और बी पॉइंट अज्यूम करते हैं, इसी दोनों के बीच में अगर आप वीटीएच ले रहे हैं, ऐसे ए की तरफ पॉजिटिव और बी की साइड नेगेटिव डायरेक्शन लेते हुए, तो मुझे पता है कि यहाँ से करंट जो एंटर कर रही है, इसके हिसाब से पोलैरिटी बनेगी, तो एंटरिंग पॉइंट प्लस एंड लीविंग पॉइंट माइनस। इसका जो मैं वोल्टेज का कन्वर्जन करूँगा, इसमें ऊपर प्लस दिखना चाहिए और नीचे माइनस दिखना चाहिए। करंट कितने की है, 1 एम्पियर की, 1 × 2 2 volts, तो ये ऐसा दिखाई देगा 2 volts। यहाँ पर कितना वोल्ट है, 1 volt, और सामने आपके पास है ये वीटीएच। कर लीजिए सॉल्व, -VTH +1 +2, +1 +2 कितना हो गया, +3, और -VTH उधर गया तो प्लस वीटीएच बन गया। तो प्लस वीटीएच इज इक्वल्स टू +3 वोल्ट्स, ये अपने क्वेश्चन का आंसर। और 2 तो ला चुके हम लोग आरटीएच, आई निकाल सकते हैं इससे, बढ़िया है ना। आरटीएच वीटीएच दोनों ही फाइंड करना इसमें इजी है, वेरी गुड। तो हम लोग आरटीएच वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें वीटीएच हम लोग खुद से निकालेंगे, क्योंकि वो पूछ सकता है एग्जामिनेशन में और इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा वीटीएच निकालने की आप प्रैक्टिस करेंगे, मैक्स पीटी थ्योरम उतना अच्छा रहेगा, थेवनिन थ्योरम उतना अच्छा रहेगा। ऐसे ये 2 पर्टिकुलर थ्योरम आपके मस्त से बनेंगे। अगला सवाल, डिटरमाइन द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर इन द फिगर शोन बिलो। इस 3 ओम रजिस्टर के थ्रू, यहाँ पर है 3 ओम का रजिस्टर, आई होप ये विजिबल होगा आप सभी को, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि ये 3 ओम रजिस्टर के थ्रू कितनी करंट जा रही है इस फिगर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पायस वेरी गुड इवनिंग डियर, कौन है भाई? शेषनाग साहब वेरी गुड इवनिंग डियर आपको भी, ठीक है। चलिए, तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या 5 एम्पियर यूजीवीसीएल का सवाल है, इसके थ्रू कितनी करंट जा रही है ये पूछा आपसे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, अपनी श्रद्धा भक्ति के लिए। हाँ, वो वीटीएच फाइंड करना वाज द पार्ट ऑफ श्रद्धा भक्ति, क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ आरटीएच ही पूछा था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? फोर्थ का आंसर ए ऑप्शन तन्मय ने लिखा है, फोर्थ का ए ऑप्शन 1 एम्पियर। सगुन का भी ए ऑप्शन आ रहा है, टैलेंट आरपी का आंसर 1 आ रहा है, शेषनाग साहब का भी आंसर 1 एम्पियर ही आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। पयश और प्रीतम का आंसर भी 1 एम्पियर आ गया। शिवी का आंसर और अभिजीत का आंसर भी पहले आ चुका था 1 एम्पियर, ठीक है ठीक है ठीक है। मनोरंजन का आंसर भी ए ऑप्शन आ रहा है। तो कैसे फाइंड होगा? चलिए इसको फटाफट से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, पहले इक्विवेलेंट से करंट निकालते हैं यहाँ की, ठीक है। 2 × 4, 4 और 4 मिलके हो गया 2, 2 और 3 मिलके हो गया 5, 5 और 5 मिलके हो गया कितना 1/2 नहीं 2.5, ठीक है। 5 और 5 मिला के 2.5 ओम का रजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर बचा आपके पास भाई, देखिए 25/10, अब 5 5 से 25, 5 2 से 10, 5/2 ओम्स रेजिस्टेंस बचा। वोल्टेज कितना आपके पास? 5 वोल्ट का है। अब टोटल करंट कितनी जाएगी? V/R, यानी कि 5 × 2/5, ऐसा। ये कैंसिल हो गया, 2 एम्पियर की करंट यहाँ से टोटल जा रही है। अब ये 2 एम्पियर की करंट अगर इधर यहाँ तक अगर आप सॉल्व करो तो आप देखोगे कि ये 2 और 2, 4 और 4 को सॉल्व करके जो 2 बना, 2 और 3, 5 बना, तो 5 और 5 तो दोनों तरफ है, दोनों जगह ही तो 5 5 एम्पियर का सोर्स है ना, मतलब लोड है। तो 5 5 है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी यहाँ से 1 और 1 के फॉर्म में। तो इस ब्रांच में एक 1 एम्पियर चला जाएगा यहाँ से, और बचा हुआ 1 एम्पियर यहाँ से चला जाएगा। फिर आगे जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा सो होगा, फिलहाल तो 1 एम्पियर जाएगा इसमें। अच्छा हाँ, मैंने नहीं बोला इसलिए आपने बोल दिया ना। हाँ, ये योर ओल्ड स्टूडेंट एंड क्लोज टू हार्ट, शेषनाग साहब आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट भी हो और क्लोज टू हार्ट हो, सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, ठीक है। तो मतलब आपसे डरने वाली कोई बात नहीं है, है ना। चलिए ठीक है, तब तो गुड है। नाम भी बता दोगे तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तो आगे। अब इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्टली रिजेंबल्स अ शॉर्ट सर्किट कंडीशन इन एनी नेटवर्क। बस इसका आंसर तो जल्दी से बताना पड़ेगा आपको, इसमें कोई चांस नहीं है, एकदम जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एकदम फटाफट से, ठीक है। उमेश तो नहीं है सर, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, उमेश, राजीव, साहिल, कोई ना कोई तो है ये, है ना, या अर्जुन भी हो सकता है, अर्जुन भी हो सकता है। यही लोग हैं जो नाम बदलने में एक्सपर्ट है ना, ये सब जॉनी डेप के छोटे भाई हैं ये लोग। तो चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन हाई करंट फ्लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उमेश बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Which of the following perfectly resembles a short circuit condition in any network? Short circuit condition, भाई किसी भी नेटवर्क में अगर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है तो क्या होगा? हैवी करंट फ्लो। मान लीजिए यहाँ पर रजिस्टर्स थे ऐसे, इधर भी कोई रजिस्टर था, बट किसी कारण से वो रजिस्टर क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। देखिए यहाँ पर ऐसा रजिस्टर था, ठीक है, यहाँ हम लोग सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं इसे, ठीक। अब ये वाला रजिस्टर मान लीजिए हट के ऐसा हो गया शॉर्ट, तो क्या होगा? जितनी करंट मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, अब वो करंट डिवाइड होगी क्या? नहीं होगी डिवाइड, पूरी की पूरी करंट यहां से जाने लग जाएगी। शॉर्ट सर्किट, हैवी करंट का फ्लो। जीरो करंट फ्लो का मतलब तो ओपन सर्किट होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। राइज इन पोटेंशियल, भाई पैरेलल में तो सब बराबर ही था। ड्रॉप इन पोटेंशियल, ये सब कोई सीन नहीं। हाई करंट फ्लो इज द वैलिड कंडीशन, है ना। अच्छा उमेश आपने गैस किया था, बहुत ही बढ़िया पायस, बहुत ही बढ़िया। तो ये गैसिंग तो बहुत अच्छा काम किया, उमेश ही है मतलब, नाइस उमेश, नाइस, बढ़िया। तो सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखें तो क्या पूछ रहा है। द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द नेटवर्क शोन बिलो इज हाउ मच। इस नेटवर्क में करंट आई की वैल्यू कितनी होगी, एसएससी का क्वेश्चन है ये। डेटा आपको क्लियरली दिख रहा है क्या? थोड़ा सा डिम, थोड़ा डाउन है, बट ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, यहाँ के लोग पढ़ते हैं तो तेज होंगे, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी अच्छी शक्तियाँ डेवलप हुई हैं आप सबके अंदर इस ड्यूरेशन में। ये गैसिंग वाला भी बहुत अच्छा, गुड ही शक्ति है, ये काम की है भाई। सही गैसिंग लगाना भी बहुत एक बड़ा ट्रिक होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिए, वैल्यू ऑफ करंट आई इन द नेटवर्क, आई की वैल्यू यहाँ से जल्दी से बताइएगा सोच करके कितना होगा। दिख रहा है, विजिबल है ना? चलिए ठीक है, शेषनाग साहब का आंसर जो है वो 10 एम्पियर आ गया। सी ऑप्शन, सगुन का आंसर भी आ गया, ठीक है। मनोरंजन का आंसर भी सी ऑप्शन है। सपना और पायस का आंसर भी सी ऑप्शन आ गया। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 10 एम्पियर। क्या सच में यहाँ पे 10 एम्पियर करंट जाएगी? क्या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा या कैसे सॉल्व करेंगे? 30 और 3 को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, कितना हो जाएगा? I = V/R, ठीक है। 10 एम्पियर बना लें यहाँ पे। ठीक है, 6, 20, 60 और 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 2, 30, अब देखें क्या हो सकता है इसका। 20, 30, 50 और 10, 60, 60 तो यहाँ पर हो गया। टोटल करंट एक ही डायरेक्शन में जाने वाली 60 एम्पियर की हो गई, सबका डायरेक्शन ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या क्या है? 2 है, 6 है, 3 है। 2, 6 और 3 कहाँ से पूछा है? 6 के थ्रू पूछा है, कितनी करंट है यहाँ से I डैश की वैल्यू पूछा है। बस इसी से आपको सिंप्लीफाई करना है। 2 और 3 को आप सॉल्व करके अलग भी कर सकते हो, या तो करंट डिवीजन रूल आप अप्लाई कर दो सीधे सीधे CDR, या डायरेक्टली भी आप बता सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। इस पॉइंट पे आगे डी भी किसी का आंसर आया क्या? हिराक ज्योति भी कनेक्टेड है हमारे साथ, हेलो डियर। डी ऑप्शन आ रहा है? नहीं, डी एक बार देखना पड़ेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो सी ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, 10 एम्पियर ही आना है। चलिए रेशियो से ही सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो रेशियो लगाया था कुछ देर पहले, तो 2, 6 और 3 है ना। चलिए 6 ही अगर मैं ले लूँ LCM में, तो 3:1:2, ठीक है। 3, 2, 5 और 1, 6 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आ जाएगा 6 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर 60/6, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो 6 से कितना जा रहा है? 1 यूनिट जा रहा है केवल, तो 10 एम्पियर ये आंसर है ना। CDR लगाएंगे, 3 ब्रांच का सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। डायरेक्टली आप रेशियो लगाइए, जहाँ पे मल्टीपल 2 से ज़्यादा ब्रांच चली गई वहाँ पे रेशियो लगा लीजिए, जहाँ 2 ही ब्रांच है CDR से खत्म कर दीजिए। जो आसान लगे आपको, जो भी आसान लगे, प्रैक्टिस में तो हर चीज़ आना चाहिए, बाकी आप फिर किसी से भी बनाइए। देन CDR है ना, राइट है, 10 ही आएगा, 10 एकदम राइट आंसर है। विवेक का आंसर कितना है? 30, 10, 20, 30, 10, 20। अगर डायरेक्टली 60 भी रख लेते हैं मल्टीपल में, तो 30, 10, 20 का रेशियो में आता है यहाँ पे, बिल्कुल सही है, राइट है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 वोल्ट सोर्स को कनेक्ट किया सीरीज में टू अ सीरीज सर्किट एट 600 ओम्स एंड आर ओम्स। इफ अ वोल्ट मीटर एट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.2 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द 600 ओम रजिस्टर, इट रीड्स 5 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ आर इज हाउ मच। अब ये थोड़ा आ गया मॉडरेट वाला, थोड़ा सॉल्व करने में ये टाइम लेगा आपसे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए, बन जाएगा, डिफिकल्ट तो ये भी नहीं है, है ना, डिफिकल्ट तो ये भी नहीं है, बस थोड़ा सा इस पर आपको टाइम देगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ए का गैसिंग आया हुआ है भाई अपने पास, चलिए ठीक है, उमेश की तरफ से। और सभी लोग जल्दी से सॉल्व करिए। लिखा हुआ है 35 वोल्ट का सोर्स जो है, इसको कनेक्ट किया टू अ सीरीज सर्किट एट 600 ओम। सीरीज सर्किट 600 ओम वाले से कनेक्ट कर दिया। विशाल का भी कुछ आंसर आया, 2.4 किलो ओम। फिर आगे लिखता है कि 600 ओम और आर ओम के साथ इसको कनेक्ट किया, 35 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है, ड्रॉ कर दीजिएगा, एक बार सर्किट ड्रॉ करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आसान है, कोई दम नहीं है इसमें। लिखा हुआ अगर वोल्ट मीटर एट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.2 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 600 ओम रजिस्टर। चलिए ड्रॉ ही करते हैं ना सीधे, क्या क्या लिखा हुआ है ये देखिए, ये 600 ओम और यहाँ पर आर ओम का दो रजिस्टर से आपस में सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक, इसको हम लोग कितने की सप्लाई दे रहे हैं, 35 वोल्ट्स की। ये भी हो गया। इफ अ वोल्ट मीटर एट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.2 किलो ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 6 ओम, लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर यहाँ से 600 ओम के साथ, यहाँ पर वोल्ट मीटर एक जुड़ा हुआ है। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है 1.2 किलो ओम, 1.2 किलो ओम। इसको कनेक्ट कर दिया, इट रीड्स 5 वोल्ट्स। अब ये कितना वोल्टेज रीड कर रहा है, ये 5 वोल्ट की रीडिंग शो कर रहा है। अब पूछा आपसे कि आर की वैल्यू कितनी है, ये सवाल है टोटल। बी ऑप्शन आ रहा है 2.4 किलो ओम, बी ऑप्शन पुनीत का आंसर थोड़ा अलग आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। बाकी तो शेषनाग साहब का भी आंसर बी है, तन्मय का आंसर भी बी है ना। विवेक ने सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया हुआ था इस क्वेश्चन का, नहीं विशाल ने सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया था, सॉरी विशाल का आंसर सबसे फर्स्ट नंबर पे आया था क्या। फिर अभिजीत का आंसर आया था बी ऑप्शन और पायस का आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, प्रीतम का आंसर भी बी ऑप्शन आ रहा है क्या, लेकिन निकिता का आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। बी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या सही है। वन पॉइंट टू किलो ओम यहाँ पे देखिए इसकी रेजिस्टेंस है, इससे फ्लो होने वाली करंट आप लोग पता लगा सकते हैं कितनी है, यहां से कितनी करंट जा रही है ये पता चल जाएगा। 5 वोल्टेज है डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻³ इससे आपको मिलेगा करंट आई डैश जो इसके थ्रू जा रही है, इससे फ्लो होने वाली जो करंट आई डैश है वो आपको मिल जाएगी। अब यहां से जो करंट जा रही है उसका आपको पता लगाना है, इस पोर्शन से फ्लो होने वाली करंट का। आप ये भी कर सकते हैं कि जो 35 वोल्ट है इसको सेक्शंस में डिवाइड करता हुआ अज्यूम कर लेते हैं, अगर इधर का वोल्टेज मिल गया तो टोटल वोल्टेज माइनस दैट आपको आर की वैल्यू दिला देगा। तो डी ऑप्शन कैसे आ रहा है मैं यही सोच रहा हूँ, डी ऑप्शन तो शायद नहीं आएगा। 7.2 किलो ओम ना, 7.2 किलो ओम, तो करंट का फ्लो तो डिस्टर्ब हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, सभी का हो गया सॉल्व, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए एक चीज देखिएगा, बहुत सिंपल सा है, छोटा सा लॉजिक इसमें अगर आप लगाएंगे। देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे दिया, आप इसी, चलिए करंट वगैरह तो आप फाइंड कर लीजिएगा। 5 वोल्ट यहाँ पे दिया, आप बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे भी सर 5 वोल्ट ही है, वोल्टेज तो सेम रहेगा दोनों जगह। अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होना चाहिए, 30 वोल्ट। डीसी सर्किट है, ईजिली आप बोल सकते हो कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 30 वोल्ट। अब इधर से आप करंट फाइंड कर लीजिए, करंट का डिफरेंस जो है, अब ये 5 और 600 का यूज़ करके आप इसकी भी करंट निकाल सकते हैं। देखिए आई डैश, आई डबल डैश इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 5, अगर ये कर लूँ 5×5 6×10 5×2 10 और 0, तो क्या 120 एम्पियर की करंट जा रही है यहाँ से, क्या ये ट्रू है। अच्छा पिछला क्वेश्चन मिस हो गया, फ़ोन गिर भी गया, अरे ऐसा मत करो यार, फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ़ोन के बिना कुछ दिन रह करके मुझे समझ में आया फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, है ना। उल्टा लिखा हुआ है ये, 600/5 नहीं होगा तो रजिस्टर है ना, 5/600 होगा तब आंसर सही होगा। ये देखिए ऐसा होना चाहिए, 5/600, ऐसा करोगे ना तो फिर सही आएगा। 5×5 6×10 5×2 10 एंड 0, 1/120 एम्पियर की करंट यहाँ से गुजरती, और यही सेम करंट यहाँ से गुजरती है। अब 1/120 की करंट है और V है, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/1/120, ऐसा कुछ आप कर सकते थे इसके अंदर। दिल बाहर आ जाता है फोन गिरने पर, हाँ वही तो, कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन कुछ सेकंड ही है ना, हाँ कुछ दिन कुछ सेकंड ही सर, यस ये चीज़ तो है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का आ गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी 2.4, ठीक है 2.4 किलो ओम, ये राइट आंसर रहेगा। 3.6 किलो ओम क्यों नहीं राइट आंसर है, कैलकुलेशन एक बार प्रॉपर देख करके करिएगा। ठीक है, टोटल करंट जो आपको मिल रही है यहाँ से ओवरऑल जो टोटल करंट निकली उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करिएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितने का हो रहा है। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ, पूरा कैलकुलेट करिएगा। 2.4 किलो में आपका राइट आंसर आएगा। बिल्कुल सही किया आपने, करेक्ट है। लाइट नहीं है, अंधेरे में क्लास चल रहा है। अरे ऐसा मत करिए, आंखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े, ज़्यादा अंधेरे में क्लास लेने की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ठीक है, ये तो बन गया होगा आप लोगों से। 2.4 किलो में आपका आंसर आ गया है। एक और क्वेश्चन है, अगेन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स है, देख के सॉल्व करना है इसको। और लिखा हुआ है इन द नेटवर्क शोन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स इज हाउ मच। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स जो है वो कितने का है। सी आना चाहिए ना पिछले वाले में, मुझे भी लग रहा है देख के। चलो सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है राहुल, 75/6 एम्पियर टोटल करंट प्रीतम का आया था। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। यहाँ पर करंट की वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ आर लिखा हुआ है 4 ओम, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, यहाँ I/4 लिखा हुआ है, यहाँ वी वोल्टेज दिया हुआ है। आपको बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स कितना होगा, है ना। विशाल ने लिखा नहीं सर, पिछले वाले का आंसर तो 2.4 ही रहेगा, बस सॉल्व करने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा, है ना। तो सही था आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या है। पहला ऑप्शन बोलता है 4 ओम, दूसरा ऑप्शन है 3 ओम, थर्ड ऑप्शन इज 2 ओम्स, लास्ट ऑप्शन इज 1 ओम। यूपीपीसीएल जेई 2016 के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। स्पीड थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, अभी स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस हुई है सभी की, जिसको वापस से कवर अप करना है। थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन आकर के स्पीड रिड्यूस किया, इसीलिए क्वेश्चन की लिमिट जो थी वो कम हुई है। करंट यहाँ से टोटल जो सप्लाई हुई वो आई करंट है। इसको मैं रीराइट कर देता हूँ दोबारा से, ताकि आपको कोई लेटर्स को पहचानने में कंफ्यूजन ना हो। ऐसा ये I/4 है यहाँ पर, ये विजिबल है ना, ये दिख रहा है ना ठीक से। तो करंट बी ऑप्शन भी आया क्या किसी का, पायस का भी ऑप्शन आया, प्रीतम का भी बी ऑप्शन आया, सगुन का 3 ओम्स आ रहा है, ठीक है। शिवी का आंसर भी अभी बी ऑप्शन आ रहा है। पहला आंसर जो मुझे लग रहा है कि वो सी ऑप्शन आया हुआ था, निकिता का ही फर्स्ट आंसर आया था, ऑप्शन सी यानी कि 2 ओम। इसको आसान से तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए, इजी से इजी मेथड इस पे फॉलो करते हैं। ठीक है, अभिजीत का भी आंसर सभी लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर मुझे बताएगा। थोड़ा सा टाइम लगा, बट अभी आप लोग का जो 3 ओम आंसर आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि सही आ रहा है। लिखा है आपसे द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स वो कितना है। चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, अब सॉल्व करने का टाइम, इतना आंसर के लिए टाइम काफ़ी था। ये ऑप्शन आप लोगों का आंसर आ रहा है और सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सही क्या था इसमें से। तो भाई देखिए, जो आपके डिपेंडेंट सोर्स है यहाँ पर करंट की वैल्यू I/4 एम्पियर है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम्स का, ठीक है। और यहाँ पर है वोल्टेज सोर्स V। हमको पूछा इसकी रेजिस्टेंस, पूछा इस वोल्टेज सोर्स की इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स। तो रेजिस्टेंस R शुड बी इक्वल टू V/I, इतना तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, V/I कितना, जो जितना भी ये वोल्टेज दे रहा है वो डिवाइडेड बाई जितनी भी ये टोटल करंट दे रहा है वो। टोटल करंट ये I भेज रहा है, ये करंट दो हिस्से में बंटती है। यहाँ से एक हिस्से में I/4 करंट जा रही है और दूसरे में नहीं पता कितनी करंट जा रही है। तो एक काम करते हैं, दूसरे हिस्से में कितनी करंट जा रही है पहले तो वो यही पता लगा लेते हैं। करंट थ्रू रेजिस्टेंस R, तो IR की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल करंट माइनस I/4, 4 × 1 = 4 -1, that is 3 I/4 एम्पियर। ये करंट कहाँ की है, दिस इज द करंट थ्रू रेजिस्टेंस, यहाँ से फ्लो होने वाली करंट इस पोर्शन से। सभी का आंसर है 3 मीन्स R = 3 ओम्स, यस। 1/4 है ना, पुनीत ने लिखा, ये I/4, ये यहाँ का पोर्शन। तो करंट थ्रू रेजिस्टेंस कितनी जा रही है वो मैंने पता लगा लिया, इसके हेल्प से मैं वोल्टेज बता सकता हूँ यहाँ पे कि वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, वोल्टेज कितना होगा, V = I × R। यानी कि 3I/4 ये वाला मल्टीप्लाइड विथ 4। चलिए वोल्टेज भी निकाल लेता हूँ। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज इक्वल्स टू 3I/4 ये जो यहाँ मैंने लिखा मल्टीप्लाइड विथ रेजिस्टेंस, 4 और 4 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स ऑफ I बचा। ये क्या है? दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस R, दिस इज द ओवरऑल वोल्टेज। तो मुझे इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू मिल गई ना। सर्किट को ऐसे मत देखिए, सर्किट को थोड़ा दूसरे तरीके से देखिए। ये देखिए, इसी सर्किट को थोड़ा सा अलग शेप में आप अज्यूम करेंगे तब समझ आएगा कि मैं क्यों वोल्टेज निकाल रहा हूँ इसमें। वैसे तो आंसर आप लोग का राइट आ चुका है। ये देखिए, ये करंट सोर्स है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, ये भी ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स को आप ऐसे जोड़ो ना, ये भी तो ठीक है। ऐसा ही है एक्चुअल में, साइड में लगाने के बदले मैं इधर लगा सकता हूँ, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये I/4 यहाँ से करंट जा रही है I, यहाँ से कुछ करंट गई IR, यहाँ से जो करंट गई I/4, ऐसा था। तो अब मुझे अगर इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है तो मुझे ये कितना वोल्टेज का है पहले तो वो बताना पड़ेगा, और कितनी करंट ये भेज रहा है बाहर वो बताना पड़ेगा, बस उसी से मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स डिवाइडेड बाई करंट सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स। तो V की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पर फाइंड किया था, अभी जस्ट जो फाइंड किया ना वो ये था, VR था। और पैरेलल सर्किट होने की वजह से इतना ही वोल्टेज उस सोर्स का भी होगा। तो 3I जो है इसकी वोल्टेज है, तो इसकी वोल्टेज जो है दिस इज 3I डिवाइडेड बाई करंट I, कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे पास रेजिस्टेंस अक्रॉस द सोर्स की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। बस यही क्वेश्चन था, है ना। पैरेलल होने की वजह से ये इस शेप में सर्किट ड्रॉ करने पर दिखेगा, इस शेप में सर्किट ड्रॉ करने पर समझ नहीं आएगा कि ये V आएगा कैसे, बस इसीलिए। हाँ विशाल, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया विशाल। उस क्वेश्चन में 600 अपॉन पैरेलल टू 1200 किया, दैट इज इक्वल्स टू, है ना, 400 ओम्स आया। फिर वहाँ से KVL लगाए, तब जाके I की वैल्यू 5/400 करके 2.4 किलो ओम आए। बिल्कुल सही है, एकदम राइट अप्रोच आपने किया। जो वोल्ट मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस दिया था उसको और 600 वाले को आपने सॉल्व करके फिर कैलकुलेशन किया, तो दिस वाज द परफेक्ट अप्रोच, और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आया था उसमें। ये वाला क्वेश्चन भी सबको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 8वां सवाल इसी के साथ होता है कंप्लीट। 9th क्वेश्चन पे पहुंच गए, फिर से एक डिपेंडेंट सोर्स आया। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। इन द नेटवर्क शोन द पावर डिलीवर्ड बाय 24 वोल्ट सोर्स इज, ये 24 वोल्ट का सोर्स जो है ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है। MPKV VCL JEE 2016 के एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। विशाल का आंसर है 288 वॉट्स, आयुष का आंसर है D ऑप्शन। इन द नेटवर्क शोन बिलो द पावर डिलीवर्ड बाय 24 वोल्ट सोर्स, ये कितना पावर डिलीवर करेगा। यहाँ पर अगर लेटर्स क्लियर ना हो तो एक बार देख लेते हैं। दिस इज IG, ये G लिखा हुआ है, ये 2 टाइम्स ऑफ IG है। यहाँ की करंट डाउनवर्ड जाती हुई, इधर प्लस माइनस है और उधर IG लिखा हुआ है। अच्छा, किया हुआ है ये क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनाए हुए हैं आप लोग पहले से। अब बहुत एकदम क्विक आंसर आया ना, एकदम फास्टेस्ट वाला आंसर आया। इसे सॉल्व करके भी ला सकते हो, 2-3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप लोग फटाफट। D ऑप्शन, तन्मय का भी आ गया, शिवी का भी आ गया, प्रीतम का भी आंसर आया कि D ऑप्शन। सबने सॉल्व किया ना प्रॉपरली। तो करंट IG की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पर 24 वोल्ट है, इस पे भी 24 वोल्ट है पैरेलल होने की वजह से, तो 24 और 6 के कॉम्बिनेशन से आ जाएगा करंट IG। IG की वैल्यू 24/6 4 एम्पियर, ठीक है। और 4 × 2 4×2 = 8 एम्पियर उधर पर। अब बस इसी से आप जो भी पावर जो डिलीवर्ड है वो दोनों सेक्शन का पावर अलग अलग डिसिपेटेड फाइंड कर सकते हो। इंटेलिजेंस थ्योरम का रूल आप अप्लाई करके और उसका सम करके आप निकाल सकते हो कि टोटल कितना पावर आएगा, है ना। आपने सॉल्व किया ना विवेक, बहुत ही बढ़िया। विशाल ने भी सॉल्व करके बताया। I की वैल्यू बिल्कुल सही 4, फिर 2I दैट इज 2 × 4 8 यहाँ पर, है ना। जैसे IG आ गया आपके पास, 2 × IG किया आपने, ये 8 एम्पियर आ गया आपका यहाँ से। अब आप पावर निकाल लीजिए दोनों जगह का, दोनों सेक्शन का पावर निकाल लीजिए। तो अब यहाँ से देखिए आपको टोटल करंट मिल जाएगी ना। पावर निकालने का सबसे आसान तरीका है, आपको ये जो I टोटल चाहिए दिस शुड बी IG + 2IG। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, I टोटल बराबर I ऑफ G + 2 टाइम्स ऑफ IG। तो ये IG हम लोग कितना निकाले थे 4, और 2 टाइम्स ऑफ IG कितना था 8, 8 और 4 ये हो गया टोटल करंट 12 एम्पियर। वोल्टेज सोर्स आपके पास कितने का है 24 वोल्ट का है, तो पावर टोटल कितना आ जाएगा पावर डिलीवर्ड VI 24 × 12। बस इसी को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे डायरेक्ट एकदम। अच्छा आपने बताने के बाद अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार फिर से सॉल्व किया, बहुत अच्छा, वेरी गुड है, बेस्ट थिंग है ये चीज़, है ना, क्योंकि जब उतना टाइम है हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए, एग्जामिनेशन में भी कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन देखा हुआ है अब फिर भी अगर आपसे बन भी गया आपने ऑप्शन टिक भी कर दिया तो 1 सेकंड का टाइम लेके थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए बस उसको कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई ना, एक बार डबल श्योर होने में कुछ नहीं जा रहा है अगर टाइम बचा है तो, अगर टाइम नहीं बचा है तो मत हो डबल श्योर, तब फिर एक ही बार में सही आंसर करिएगा। संकेत ने पूछा कि सर ऐप में बैच को एक्सटेंड कैसे करना पड़ता है। अच्छा ऐप में बैच को कैसे एक्सटेंड करना होता है, आप गेट अकेडमी ऐप की बात कर रहे हैं, अन अकेडमी वाले ऐप की बात करेंगे, बताइएगा मुझे, है ना, आज शक्ति आ गई है शिवी ने लिखा हुआ है, बात तो सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सटेंड करने के लिए आप देख सकते हैं अगर गेट अकेडमी ऐप की बात कर रहे हैं तो आप उसमें उसकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर जा करके देखिएगा एक कोर्स का एक्सटेंशन का ऑप्शन भी दिया रहता है साथ ही साथ, अगर वो ऑप्शन है तो आप उस पर कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो कस्टमर केयर नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा एक बार, तो दोनों जगह कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है, इसके भी इस क्लास के भी बिगिनिंग में मैंने कस्टमर केयर नंबर दिखाया हुआ है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये क्या आ गया भाई, कुछ टेबल जैसा आ गया, लिखा हुआ है द बिलो शोन रिजल्ट्स वे आर ऑब्टेन फ्रॉम द मेजरमेंट्स टेकन फ्रॉम अ रेजिस्टिव नेटवर्क इट्स थेवेनिन्स रेजिस्टेंस इज हाउ मच, है ना, कुछ अजीब सा क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये कुछ मेजरमेंट आया है किसी रेजिस्टिव नेटवर्क का और आपको पूछा इस मेजरमेंट को देख करके बताइए कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कितना होगा, RTH गेट अकेडमी ना, ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप वेबसाइट पर पहुँच करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एक बार, तो वो लोग गाइड कर देंगे आपको। सी ऑप्शन 8 ओम सभी का आ रहा है, सी ऑप्शन 8 ओम, बहुत ही बढ़िया, क्या 8 ओम राइट आंसर है क्या। देखिए टर्मिनल वोल्टेज आपको दिया, कोई भी एक्स नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है, कोई भी एक्स नेटवर्क है, आपको सबसे पहले लिखा टर्मिनल वोल्टेज 12 वोल्ट, ठीक है, यहां से यहां तक की, और टर्मिनल करंट उस समय कितना है 0। भाई टर्मिनल करंट अगर 0 है तो सिंपल सी बात है कि ये ओपन सर्किट होगा, तभी यहाँ से फ्लो होने वाली करंट 0 हो गई, ठीक है, और अगर ये ओपन सर्किट वोल्टेज है तो इसका मतलब ये VTH है, करंट तो तभी 0 हो सकती है ना। दूसरी बार उसी सेम सर्किट के लिए आपको क्या बोलता है कि वोल्टेज तो 0 है, टर्मिनल वोल्टेज इज 0 और करंट 1.5 एम्पियर की आ रही है, मतलब ज़रूर से ये पोर्शन शॉर्टेड होगा तभी तो वोल्टेज 0 है, तब यहाँ से करंट आ रही है कितनी 1.5 एम्पियर की, मतलब तभी वोल्टेज 0 है, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज IN नॉर्टन्स करंट, IN या ISC जिसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, ये ओपन सर्किट वोल्टेज दिया था आपको, बन गई बात। तो RTH इज इक्वल्स टू VTH, R इज इक्वल्स टू V/I, तो ये 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.5 एम्पियर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसी से आप अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जानी चाहिए। हाँ बस इसको आइडेंटिफाई करना मेन टास्क था यहाँ पे, बस इसमें आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट जो था बस वही मेन था कि जब करंट 0 हो गई उस समय 12 वोल्ट है टर्मिनल वोल्टेज, तो इसका मतलब करंट कब 0 होगी जब टर्मिनल ओपन सर्किट होगा, तो ओपन सर्किट की वोल्टेज VOC या VTH यहाँ पर दी हुई थी आपको, ठीक है 8 ओम, बिल्कुल सही राइट आंसर। आज आप लोग अच्छा स्कोर करने वाले हो, मुझे ऐसा अंदर से हिंट हो रहा है। चलिए देखते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन और है, आज सबका आंसर सही आ रहा है ना। हाँ मुझे भी जस्ट अभी, मैं इसलिए ये बोला टैलेंट RP ने जैसे लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है आज मस्त अच्छा स्कोर आएगा। Which of the following batteries is most likely to attain a memory effect? अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि कहीं किसी का आंसर गलत ना करवा दे। आज के सेशन पर लीडर बोर्ड अगर होता तो टाइमिंग वाइज भी देखने में मज़ा आता कि टाइमिंग में भी कौन फास्टेस्ट, क्योंकि राइट आंसर तो ऑलमोस्ट सबका आ रहा है आज। आज अच्छा है, आज का परफॉर्मेंस गुड है आप लोग का। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरीज इज मोस्ट लाइकली टू अटेन अ मेमोरी इफेक्ट, इसमें से कौन सी बैटरी जो है उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होगा मेमोरी इफेक्ट होने का। अभी का आंसर है डी ऑप्शन, अभिजीत का आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, विवेक का आंसर है NICD यानी कि बी ऑप्शन, निकिता का आंसर है डी ऑप्शन, टैलेंट RP का आंसर है सी ऑप्शन लिथियम आयन। अब एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि फिर से आंसर में गड़बड़ी पैदा कर दी, अभी हम लोग तारीफ कर ही रहे थे तब तक फिर एक क्वेश्चन आ गया। सी ऑप्शन शिवी ने लिखा हुआ है, तन्मय ने लिखा है सी ऑप्शन, मनोरंजन ने लिखा है डी ऑप्शन। एल्कलाइन बैटरी डी के साथ जाऊंगा, विशाल ने बोला ठीक है। सगुन ने लिखा है एल्कलाइन बैटरी और प्रीतम ने लिखा बी ऑप्शन। चलिए ठीक। मेमोरी इफेक्ट शायद कुछ समय पहले अभी रिसेंट में ही ना, पिछला जो सीरीज चल रहा था हम लोग का वो 10 दिन वाला, उसमें हम लोग पढ़े थे मेमोरी इफेक्ट के बारे में, उसमें बताया भी था मैंने शायद। चलिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। मेमोरी इफेक्ट आप सभी को याद होगा कि क्या होता था। मेमोरी इफेक्ट में क्या होता है, किसी बैटरी की एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। कि जैसे अगर मान लीजिए आप इसको फुल चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक किसी भी मोबाइल की बैटरी, किसी डिवाइस की बैटरी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आप उसको 0 तक आने देते हैं और वहाँ से आप इसको चार्ज करते हैं 70% तक या 80% तक आप उसको चार्ज करते हैं, ठीक है। इतना आपने चार्जिंग किया, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आप निकाले वहाँ से प्लग से बाहर, पॉकेट में रखे, चले गए, ठीक। अब चले गए, कल अगले दिन सुबह भी। अब आपका चार्जिंग और मोबाइल का यूसेज का साइकिल ऐसा है, मोबाइल नहीं मतलब कोई भी डिवाइस जिसमें उस बैटरी वो लगी होगी, आपका चार्जिंग या उसका यूसेज इस तरीके से है कि आपको उतना ही टाइम मिलता है उसको चार्ज करने का, और वो डेड मतलब जो उसकी बैटरी रिड्यूस होती है वो भी एक पर्टिकुलर लेवल तक होती है। तो डेली आप उसको 70% चार्ज करते हैं, चले जाते हैं, उसको 100 कभी नहीं कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक रेगुलर बार बार जब यही चीज़ रिपीट होती रहेगी तो कुछ समय के बाद क्या होगा, इसके अंदर एक मेमोरी इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मतलब अगली बार जब आप इस बैटरी को यूज़ करेंगे तो, या जब आप चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी जो है, जो भी डिवाइस होगा उसकी बैटरी 70% तक फुल चार्ज होगी। अब अगली बार मान लो संडे का दिन आ गया, ठीक है, कई समय के बाद आपकी छुट्टी है, अब छुट्टी के दिन आप चार्ज करें, अब आप बोले चलो आज तो इसको 100% करता हूँ, अब वो होगा ही नहीं 100%, वो होगा ही नहीं 100%, वो 70% ही उसके लिए मैक्सिमम, वो इतने पे आके रुक जाएगा। आप सोचोगे चार्जर खराब हो गया, नहीं, वो बैटरी खराब है, मतलब उस बैटरी के अंदर मेमोरी इफेक्ट डेवलप हो गया, ठीक है। उसके अंदर क्या हो गया कि ये 70% ही इसकी फाइनल मेमोरी में फीड हो गया। वैसे ही इसका अपोजिट भी होता है, जैसे अगर सपोज कर लो कि आप डिस्चार्ज करते हो, आपने फ़ोन को अपने 100% चार्ज कर लिया, वैसे फ़ोन पे भी ये लागू होता है बट ये किसी भी डिवाइस के लिए मैं बता रहा हूँ इन जनरल। तो आपने डिवाइस को 100% चार्ज कर लिया, आप उसको, आप बहुत कंसर्न पर्सन हो, आपको ये कि मेरा फ़ोन कभी डेड ना हो जाए, तो आप क्या करते हो, एकदम उसका केयर करते हो कि जैसे ही वो 50% पर पहुँचता है आप तुरंत चार्जिंग पे लगा देते हो, आप 50 से नीचे नहीं जाने देते हो, क्योंकि आपको डर है कि कहीं मुझे अचानक से बाहर जाना पड़ गया तो कम बैटरी में मेरा फ़ोन जो है कहीं बीच में बंद ना हो जाए, तो मैं बिना फ़ोन के कैसे रहूँगा। तो उसके लिए आप इसको 50% लाने के बाद तुरंत चार्जिंग पे लगा देते हो। अब ये रोज़ कर रहे हो आप, ये डेली 50% तक आता है, आप इसको तुरंत चार्ज कर देते हो, ये डेली करते करते अब एक दिन आप बाहर चले गए, सच में बाहर चले गए। अब ये रिड्यूस होता जाएगा चार्ज, आप यूज़ कर रहे हो, 50% पर आएगा मोबाइल बंद हो जाएगा। आप बोलोगे अरे 50% तो बचा हुआ है, अभी भी बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, आप ऑन करिए वो फिर डेड हो जाएगा, आपको दिखाएगा बैटरी खत्म हो गई करके, क्योंकि ये जो बचा हुआ पोर्शन होता है ये अनयूज था लंबे समय से, तो अब वो उस बैटरी की मेमोरी के अंदर आ गया कि उसकी फाइनल लिमिट इतनी है, इसके बाद ही उसको फुल चार्ज प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके जो चार्जेस हैं वो उतना एनर्जी गेन नहीं कर पाएंगे कि आफ्टर या बिलो दिस लिमिट भी वो उतना पोटेंशियल क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे कभी, तो ये डेड होता है। हालांकि ऐसी बैटरीज को भी सुधारा जा सकता है बाई मैथड कॉल्ड कंडीशनिंग, एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं कंडीशनिंग। जब बैटरी चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा डेप्थ में, तो इस मेथड को मैं आपको बताऊंगा कि ये कंडीशनिंग मेथड क्या होता है। कंडीशनिंग करके हम किसी भी मेमोरी इफेक्ट वाली बैटरी का मेमोरी इरेज कर सकते हैं, उसको फिर से याद दिला सकते हैं उसकी शक्तियों के बारे में कि भाई तुम्हारी शक्ति इसके आगे भी है ना, तुम और ज़्यादा अच्छा काम, तुम शक्तिमान हो, तो ऐसे के लिए। अरे वाह, टैलेंट आरपी ने भी लिखा कि मेरा फ़ोन भी 50% पर डायरेक्टली ऑफ हो जाता है, ठीक है। हाँ, अरे अब तो पहले तो क्वेश्चन की बात है विशाल, बेसिक इलेक्ट्रिकल का अलग से कोई पेड कोर्स नहीं है डियर, कोई भी मेजर कोर्स आप जो ले रहे हो जिसमें कि BEE का पोर्शन अगर होगा उस सिलेबस में, तो उसमें ये मेरा पढ़ाया हुआ इस लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, तो आप ले सकते हो कोई भी, है ना। हाँ जी, तो उसको हम शक्तियाँ याद दिलाते हैं कि भाई नहीं, तुम इतने के लिए नहीं, तुम ज़िंदगी में और कुछ ज़्यादा करने के लिए बने हो, 70% से ज़्यादा काम करने के लिए तुम बने हुए हो, ठीक है। तो उसको याद आ जाता है कंडीशनिंग करने के बाद, बिना कंडीशनिंग के उसको नहीं याद आता है बैटरी को। ऐसा किस में होता है? वैसे तो आप लोग मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में एक्सपीरियंस किए होंगे, उस हिसाब से लिथियम आयन आप लोग आंसर दे रहे हैं, बट ये सबसे ज़्यादा पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरीज इज मोस्ट लाइकली टू अटेन अ मेमोरी इफेक्ट। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, निकल बेस्ड सेल्स, निकल बेस्ड सेल्स जितने भी होते हैं सबके अंदर मेमोरी इफेक्ट हो सकता है। निकल कैडमियम हो, निकल मेटल हाइड्राइड हो, है ना, या निकल के बेस्ड पे जो भी सेल्स होते हैं इनके अंदर मेमोरी इफेक्ट हाईएस्ट होता है बाकियों की तुलना में। बाकियों में भी हो सकता है। अच्छा, एल्कलाइन वाला तो कभी हो ही नहीं सकता ऑप्शन में, एल्कलाइन तो सेकेंडरी सेल ही नहीं है, एल्कलाइन तो प्राइमरी सेल है, इसको डी ऑप्शन को तो बोलना ही मत गलती से भी, मतलब धोखे से भी डी ऑप्शन नहीं आएगा। ए बी और सी तक आप बोल सकते थे, डी बिल्कुल नहीं बोलना बिकॉज इट इज़ अ प्राइमरी सेल, ये तो प्राइमरी सेल में आता है। एल्कलाइन बैटरी वही वो कौन सी वाली, वो ड्यूरा सेल वाली बैटरी जो आप लोग यूज़ करते हो, प्राइमरी सेल है, इसमें तो कोई चार्जिंग एक्शन ही नहीं है तो मेमोरी इफेक्ट कहाँ से होगा, नो चार्जिंग एक्शन। तो मेमोरी इफेक्ट इन तीनों में हो सकता था। सबसे ज़्यादा रिमार्केबल जो होगा वो निकल बेस्ड, चाहे कोई भी सेल हो, अगर ऑप्शन में निकल कैडमियम की जगह निकल मेटल हाइड्राइड भी दिया होता ना तो वो भी सही आंसर होता है, उसको भी टिक कर सकते थे हम लोग, ठीक है, वो भी राइट आंसर है। इनमें भी होगा बट बहुत लीस्ट होगा, लिथियम आयन वही जो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से बैटरी का क्वेश्चन आया है, चलो ठीक है, ये है ना, ये टेंशन भी झेल लेंगे हम लोग। बैटरी चार्जिंग रूम्स फॉर लीड एसिड बैटरी शुड बी वेल वेंटिलेटेड बिकॉज द चार्जिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस, इनमें से क्या। एसएससी जेई का ये क्वेश्चन है। बैटरी रूम जो है उसके लिए लिखा हुआ है कि उसका वेल वेंटिलेटेड होना जरूरी है। बच गए सर लास्ट तक में ठीक है, हाँ यहाँ तक तो चलो पहुँच गए, अच्छा हुआ अभी शुरुआत में नहीं आ गए सब क्वेश्चन, नहीं तो टाइम वेस्ट किए होते हैं हम लोगों का। अब आखिरी में आ रहे हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, बस 15 पहुंचने ही वाले हैं हम लोग अपने बेसिक लिमिट तक। तो लिखा हुआ है कि बैटरी चार्जिंग रूम, अगर लीड एसिड बैटरी की कंप्लीट चार्जिंग रूम है जैसे पावर स्टेशंस में जैसा रहता है, तो इसको वेल वेंटिलेटेड रखना ज़रूरी है बिकॉज द चार्जिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन बोलता है कि हाईली पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि एक्सप्लोसिव गैस जो है वो प्रोड्यूस होगा, थर्ड ऑप्शन सेज हाईली कंबस्टेबल ऑक्सीजन, और लास्ट ऑप्शन सेज कि कोरोसिव गैस प्रोड्यूस करता है। अब सही क्या है इसमें से, सब तो सही लग रहा है। विवेक का आंसर है ए ऑप्शन, विशाल का आंसर है बी ऑप्शन। विवेक ने लिखा हाईली पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है, पुनीत ने लिखा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, शेषनाग साहब को अपने से मिलता जुलता वाला ऑप्शन दिख रहा है कि पॉइजनस गैस है ना, ठीक है उमेश बढ़िया। और पायस का आंसर है ए ऑप्शन, संतोष का आंसर बी ऑप्शन। ए और बी ये चल रहा है। तन्मय ने आंसर डी में, डी भी लिखा है, कोरोसिव गैस ही प्रोड्यूस करता है। लीड एसिड बैटरी, देखिए सिंपल सी थिंग है, लीड एसिड बैटरी जब भी चार्ज होती है ये हाइड्रोजन रिलीज करती है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, तो हाइड्रोजन गैस ऐसा कोई पॉइजनस गैस नहीं है कि जिससे हम ऐसा कुछ हो जाए, नहीं तो जितने जो बैटरी चार्जिंग स्टेशन के जो शॉप वाले होते हैं, जो जहाँ पर बैटरियाँ चार्ज होती हैं, खूब सारी चार्ज होती रहती है उनके यहाँ, तो उनका तो जीना मुश्किल हो जाता है ना, शॉप के अंदर ही वो लोग जैसे चार्ज करते रहते हैं। ये क्या होती है, बैटरी से मेरी अच्छी नहीं बनती है सर विशाल ने कहा, अरे बैटरी से बहुत सारे लोगों की अच्छी नहीं बनती है, तभी तो आंसर में देखो इतना सारा वेरिएशन आ रहा है, तो घबराने की बात नहीं है, टेंशन नहीं, ठीक है। बैटरी चल रहा क्या क्लास में, सौरभ ने पूछा। नहीं सौरभ, जस्ट ये क्वेश्चन आया तो हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं बैटरी का। अब अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अभी ये थोड़ा थोड़ा बैटरी आके परेशान कर रहा है। तो बैटरी चार्जिंग रूम फॉर लीड एसिड बैटरी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये हाइड्रोजन गैस जो है एक तरीके से एक्सप्लोसिव नेचर की गैस होती है। कहीं अगर इसके आसपास कोई स्मोक कर रहा है या किसी तरीके से स्पार्किंग हो रही है तो ऐसी किसी भी चीज़ के लिए परमिशन नहीं रहता है। मतलब आइडियल कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो ऐसा किसी भी टाइप का स्पार्क रिलीजिंग कोई भी चीज़ उसके आसपास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, इट कैन कैच फायर। ये हाईली कंबस्टेबल बोल सकते थे लेकिन ऑक्सीजन लिख दिया बगल में, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और कोरोसिव गैस की बात है नहीं, पॉइजनस करीब का आंसर था बट ये भी उतना राइट नहीं है जितना एक्सप्लोसिव गैस जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा आपका पढ़ के भी रॉन्ग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिवाइज नहीं कियोगे ना, ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, रिवाइज करने वाला तभी तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल। अरे अब तो ऐसे वाले ही सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का क्वेश्चन आ गया भाई। हम लोग आंसर सही हो रहा है करके ज़्यादा तारीफ कर ली है उस टाइम पे, तो ये क्वेश्चन बुकलेट जो है बुरा मान गया लगता है। टू फोकस ऑन द रीन्यूएबल एंड अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी डैश वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1981 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चार ऑप्शन ये, हाँ WBACTCL के अलावा ये SSC में भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, या इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया हुआ है। टू फोकस ऑन रीन्यूएबल एंड अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, उस पर फोकस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी फॉर्म की थी मार्च 1981 में। उसका नाम क्या था, केवल बस उसका नाम आपको बताना है। पहला था कमीशन ऑफ एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है कमीशन फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अच्छा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट लास्ट ऑप्शन। आउट ऑफ सिलेबस है ये वाला क्वेश्चन, सगुन ने लिखा हुआ है। हाँ एसएससी के लिए तो वैसे सच में आउट ऑफ सिलेबस है। बी ऑप्शन टैलेंट आरपी ने लिखा हुआ है। कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कमीशन फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये वाला नहीं पता, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस पर गैसिंग नहीं करते, चलिए देखते हैं। काफ़ी करीब आंसर में लग रहा होगा कि सी ऑप्शन हो सकता है, बट सी नहीं है। सी भी एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसको CSIR बोलते हैं। CSIR ये नाम कई जगह आप लोग सुने होंगे, है ना, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, इसको राइट आंसर मत समझिएगा, दिस इज नॉट द राइट आंसर। बट हाँ ये भी, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है SSC के एग्जामिनेशन में, बट अलग फॉर्म में पूछा है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, देखिए मार्च 1981 में जो गवर्नमेंट ने बॉडी फॉर्म की उसमें ये चीज़ था कि जितने भी मार्च 1981 क्यों इंपॉर्टेंट डेट है पता है, क्योंकि वहाँ उस समय मेजर ऑयल क्राइसिस हुआ था दुनिया में, ठीक है, सबसे बड़ा ऑयल क्राइसिस जो हुआ था वो क्रिएट हुआ था। अब ये ऑयल क्राइसिस की वजह से तब तक क्या होता था कि हम लोगों की एनर्जी डिपेंडेंसी जो थी वो कोल के ऊपर थी, ऑयल बेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर थी, है ना, इन चीज़ों पे थी। रिन्यूएबल सोर्सेज या नॉन कन्वेंशनल वाले जो सोर्सेज थे उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं था। लेकिन जब 1981 में जब मेजर ऑयल क्राइसिस हुआ दुनिया में, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, हमको अब और ऑल्टरनेटिव की तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है। ये तो इस तरीके से होना शुरू हुआ। CSIR का हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है, हाँ ये चीज़ है। CSIR जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है, ये CSIR का फॉर्मेशन 1942 में हुआ था, 1942 में कि साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए इसको फॉर्म किया गया था। इसके अंदर जर्नल्स वगैरह भी छपते हैं लोगों के, है ना, जैसे आप कोई रिसर्च करोगे किसी फील्ड में तो आप अपने जर्नल जो रिसर्च पेपर्स जो है यहाँ पर पब्लिश करवा सकते हो। वो आपके रिसर्च पर बात करेंगे, देखेंगे कि आप कितना फिजिबल रिसर्च आपने किया उस फील्ड पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग फील्ड है। यहाँ पर गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ था कि नहीं, हमको ऑयल या गैस या ये जो जितने जो रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोल, लिग्नाइट, इन सब के बाहर भी कुछ और एडिशनल एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत है। वो सर्च करना पड़ेगा कि उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तब फिर वहाँ से बाकी एनर्जी सोर्सेज जितने रिन्यूएबल वाले आप पढ़ते हो, कि सोलार के बारे में सोचा गया। तो इंडिया में सबसे मेजरली जो रिन्यूएबल सोर्स जो इन्वायरमेंट की तरफ से जो प्रेजेंट है, अवेलेबल है, इसको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो है सोलार एनर्जी, है ना। हमारे यहाँ लगभग सभी टाइप के मौसम होते हैं प्रॉपर, और सूर्य की रोशनी लगभग मान के चलो कि आप 7 से 8 मंथ तक तो हर जगह एकदम प्रॉपर मिलती रहती है, सरप्लस अमाउंट में रहती है। दिन के 8 घंटे या इफेक्टिव देखो तो 6 आवर्स तो इफेक्टिव सनलाइट हमको मिलती है, जिसका कि हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन कर सकते हैं 6 से 7 घंटे के आसपास का। तो उसको यहाँ पर एडॉप्ट किया गया। तो खैर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये नाम कोई बहुत ज़्यादा फेमस नहीं लग रहा है, इसको केस बोलते हैं, CASE। केस का फॉर्मेशन हुआ था मार्च 1981 में। वैसे इसके नीचे वाले का भी इनिशियल्स केस ही बनेगा, बट ये केस अलग है, इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, टैलेंट आरपी ने याद भी कर लिया, चलिए तो ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में केस बोला जाता है। नीचे वाला भी केस ही हो रहा है, कमीशन फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये काफ़ी रेलेवेंस है, इसमें ऑल्टरनेटिव लिख दिया इस वजह से, बट गवर्नमेंट ने जो एक्चुअल जो बॉडी फॉर्म किया था उसका नाम था कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मार्च 1981 में। CSIR 1942 में बहुत पहले फॉर्म हो चुका था, और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ये डिफरेंट है, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। अगला सवाल यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देख के आंसर करिएगा। चलिए, यूटिलाइजेशन तो फिर भी काफ़ी हद तक पढ़ा हुआ है आप लोग का, इसका आंसर सही कर सकते हैं। पावर फॉर लाइटिंग एंड फैन सर्किट्स इन ICF कोचेस इन द रेलवे सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो अभी रिसेंटली सुबह की क्लास में पढ़े थे हम लोग, इसका आंसर तो सही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लिखा हुआ पावर फॉर लाइटिंग एंड फैन सर्किट्स इन द ICF कोचेस इन द रेलवे सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय। ट्रैक्शन से आया हुआ ये वाला सवाल, SG यूनिट, EOG यूनिट, पैंटोग्राफ सेक्शन या थर्ड रेल कहाँ से प्रोवाइड होता है। DMRC का क्वेश्चन है ये, और रिसेंटली पढ़े हुए हम लोग रेलवेज के बारे में अभी सुबह की क्लास में। फोटो वोटो देख करके पढ़ रहे थे, उसी से आया हुआ क्वेश्चन। सपना का आंसर है सी ऑप्शन, पायस का आंसर है बी ऑप्शन, शिवी का आंसर है बी ऑप्शन। पावर फॉर लाइटिंग एंड फैन सर्किट्स आईसीएफ कोचेस इन द रेलवे सिस्टम, ये किससे प्रोवाइड होता है? अभिजीत का आंसर भी बी ऑप्शन आ गया, तन्मय का आंसर है बी ऑप्शन, सगुन बी ऑप्शन, ऋषभ बी ऑप्शन, शिव बी ऑप्शन, शिव कुमार का आंसर बी ऑप्शन आ गया, शिवी का आंसर बी ऑप्शन आ गया, विशाल का आंसर भी बी ऑप्शन है लेकिन डाउट के साथ, और बापी का आंसर भी बी ऑप्शन है क्या? ठीक है, सभी का आंसर बी ऑप्शन आ गया। मतलब फाइनली यार आंसर करने के बाद आप पूछ रहे हो कि ईओजी मीन्स, कोई नहीं कोई नहीं, चलिए ठीक है। चलिए मैं अगर फुल फॉर्म बता दूं तो शायद आंसर और क्लैरिटी आ जाएगी। एसजी का मतलब होता है सेल्फ जनरेटेड, ईओजी का मतलब होता है एंड ऑन जनरेशन। बाकी पेंटोग्राफ और थर्ड रेल तो आप लोग पढ़े हुए हो, है ना, ये तो जानते ही हो। ये था ये क्वेश्चन, आई थिंक हुआ है किसी क्लास में, सगुन ने लिखा हुआ है, थिंक नहीं मैं तो श्योर बता रहा हूँ कि ये हुआ है। ये क्वेश्चन नहीं मतलब ये टॉपिक हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का हुआ है, थोड़ा सा अलग फॉर्म में था क्वेश्चन। चलिए इसका मैं आंसर बता दूं आप लोग को सभी को। इस सवाल का राइट आंसर जो है, इस सवाल का राइट आंसर आप लोग क्या ऑप्शन बोल रहे थे? बी ऑप्शन बोल रहे थे ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे कौन से कोच की बात किया, क्यों आंसर अलग है मैं बता देता हूँ। आईसीएफ कोच की बात किया। आईसीएफ कोच कैसा होता है? अब फोटो ही बचा सकता है दुनिया में और कुछ नहीं। आईसीएफ चेन्नई में है ना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ट्रेनिंग में गए थे बट आपको याद नहीं है। नीले कलर का डिब्बा, चलो ऐसे बोलने से मज़ा नहीं आएगा, फोटो देखिए। चलिए ये आपके सामने फोटो है, ये जो है दिस इज आईसीएफ, ये आईसीएफ कोच है। जबकि इस तरफ जो लगा हुआ है ये कहलाता है LHB, लिंक हॉफमैन कोच है ये, ठीक है, लिंक हॉफमैन बश। और ये है ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी है जो अब आजकल इंडिया में आपको इस LHB टेक्नोलॉजी की ट्रेनें जो है वो दिख रही है आजकल। इस टाइप वाली जो ट्रेन है ये दिखती है। अब ICF भी वैसे अब LHB कैटेगरी के कोचेस को बनाना शुरू कर चुका है, तो ऐसा नहीं है कि ICF मतलब सिर्फ नीला डिब्बा। अब ICF में भी आपको ऐसा इस टाइप के कोचेस जो हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे आगे चल के। तो दिमाग में ये बिल्कुल भी मत रखिएगा कि आईसीएफ मतलब सिर्फ यही होगा, नहीं। अभी तक यही था, अभी तक तो आईसीएफ मतलब यही पुराने ज़माने के जो ऐसे ब्लू कलर के डिब्बे दिखते थे वो थे, और एलएचबी सिस्टम जो था ये अलग क्रिएट होता था, ठीक है। ये एलएचबी बेस्ड कोचेस जो थे इस तरीके से बनते थे। आरसीएफ भी, आरसीएफ कपूरथला में जो है, आरसीएफ जो रेलवे कोच फैक्ट्री जो है जो कपूरथला की, वो भी इस टाइप के कोचेस क्रिएट करती है LHB टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड। तो LHB जो है वो जर्मनी की टेक्नोलॉजी है, वहाँ से इंस्पायर्ड है और उसके बेसिस पर हम लोग क्रिएट करते हैं। ये LHB कोच के बारे में मैंने बताया भी था आप लोग को। देखिए इसके अंदर क्या एडिशनल चीज़ें होती है, यहाँ पर सस्पेंशंस वगैरह बहुत प्रॉपर रहते हैं। देखिएगा इसमें टॉप टू बॉटम सस्पेंशन, स्प्रिंग सस्पेंशन भी यहाँ पर रहता है। ये मेजर बड़ा स्प्रिंग सस्पेंशन भी है, छोटे स्प्रिंग सस्पेंशन भी है। उसके अलावा यहाँ पर वाई शेप्ड सस्पेंशन जो है वो भी रहते हैं। देखिए इस तरीके से वाई या वी शेप सस्पेंशन बोलते हो। फिर इसमें क्रॉस लीनियर सस्पेंशन जो होता है वो भी होता है, और वो दोनों सस्पेंशन हाइड्रोलिक के फॉर्म में। कैमरा बंद होने वाला है, मुझको 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं इसकी बैटरी जल्दी से चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा, क्लास में ब्लैकआउट हो जाएगा, ठीक है। मैं तुरंत इसकी बैटरी चेंज कर देता हूँ, ब्लिंक कर रहा है ये, जस्ट रुकिएगा। हाँ ठीक है, अब वापस से शुरू हो गया होगा। अरे इसमें भी एक ही स्टिक बचा हुआ है बैटरी का। चलिए ठीक है, कोई नहीं, टाइम तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। अभी स्टार्ट हो गया ना, ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो ये एलएचबी कोचेस जो होते हैं इस तरीके के होते हैं। एलएचबी में गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, देखिए एलएचबी कोच की खास बात ये होती है, पहले जो ये आईसीएफ कोचेस होते थे ना, इनके अंदर का जो जनरेशन रहता है वो इस तरीके से रहता है। इनके अंदर रहता है ये जो आपके व्हील पर जो एनर्जी पहुंचती है, जो फाइनल एनर्जी, जो एक्सेलरेशन हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं टेंजेंशियली, यहाँ पर जो फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा ये शाफ्ट भी ले लेता है इस ऑल्टरनेटर को ड्राइव करने के लिए, जिससे कि हमारी टॉप स्पीड जो है उसमें कमी आ जाती है। तो ये जो कोचेस थे इनको बनाया गया था 160 की स्पीड पर, बट ये चल पाते हैं मैक्सिमम 120 kmph की स्पीड तक, इनको इतने पर ही लिमिटेड रखा गया। अब जो LHB कोचेस आ गए उसमें इस सिस्टम को हटा दिया रेलवे ने, क्योंकि इससे स्पीड में काफ़ी कमी आती है। तो ऐसी दिक्कत ना है, इसके लिए क्या कर दिया इसने कि यहाँ से नीचे जो जनरेटर जो सिस्टम होता था, सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम जो लगा रहता है, उसको रिमूव कर दिया और अलग से इस पर एक कोच दे दिया। इस कोच का नाम होता है, इस पर देखिए आप लिखा हुआ है जनरेटर कार। जब भी आपको ऐसी वाली ट्रेनें दिखाई देंगी तो देखिएगा लास्ट में इसमें ऐसी जनरेटर प्लस लगेज कार जो है वो साथ में चलती है। तो इसका जनरेटर ये अलग से कैरी करता है, ये सब सिस्टम नहीं लगता ये, जिससे क्या होता है अब इसकी टॉप स्पीड बढ़ चुकी है। अब ये ट्रेनें जो है वैसे तो गवर्नमेंट इसको 200 kmph की स्पीड पर भी चला सकती है, बट अभी फ़िलहाल ये इसके लिए इसकी टॉप स्पीड जो है वो 160 kmph है। इस पर एक्चुअली अभी चल रही है, 160 kmph की स्पीड ये अटेन कर सकती है। बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, इसकी कपलिंग अलग तरीके से होती है और इसकी जो फंक्शनिंग है वो अलग है। कंफर्ट का लेवल काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, मल्टीपल सस्पेंशन होने की वजह से जब लोकोमोटिव पुल करेगा इसको, अंदर बैठे लोगों को झटका नहीं लगेगा उतना, ऐसा करके बहुत सारा एडवांटेज है। एक्सीडेंट होगा तो ये बाउंस अप नहीं हो जाएगी एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये ब्लू वाली कोचेस बाउंस अप हो जाती थी, ये सबसे बच जाता है, ठीक है ना। ये सब नागलोक में भी है शेषनाग साहब ने लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, 200 kmph का ट्रैक है नहीं, इस वजह से अभी रेलवे की लिमिटेशन है कि उसको 160 kmph पे लिमिट करना पड़ रहा है। अदरवाइज ये LHB कोचेस 200 kmph पर भी चलने के लिए बनी हुई है, उस पर भी ये चल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन आज का रखते हैं, टाइम तो वैसे खत्म हो चुका है, आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। यूटिलाइजेशन का ही है, चलिए यूटिलाइजेशन से ही एंड करेंगे, कोई नहीं। 15वां सवाल लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ एडवांस्ड कपलिंग इज प्रेफर्ड इन द LHB मेन लाइन कोचेस। LHB मेन लाइन कोचेस में इसमें से कौन सा टाइप का क्या प्रेफर्ड है, विच टाइप ऑफ एडवांस कपलिंग इज प्रेफर्ड, इसमें से कौन सा एडवांस कपलिंग जो है वो प्रेफर रहता है। चलिए विवेक, ठीक है, विशाल ने लिखा कि अरे बाप रे नागलोक जाने की बातें हो रही है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर करके फिर जाइएगा, है ना। ये वाला लोक बहुत अच्छा है। पहला ऑप्शन है सीबी कपलिंग, दूसरा ऑप्शन है स्क्रू टाइप कपलिंग, थर्ड ऑप्शन है साइड बफर टाइप कपलिंग, लास्ट ऑप्शन है इसमें से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं वाला ऑप्शन मस्त है। प्रीतम का आंसर है सी ऑप्शन, विवेक का आंसर है ए ऑप्शन, पायस का आंसर है ए ऑप्शन, शिवी का आंसर है ऑप्शन ए। सीबी कपलिंग, स्क्रू टाइप कपलिंग, साइड बफर टाइप कपलिंग या फिर इसमें से कोई भी नहीं। एडवांस कपलिंग, अब सिंपल सी बात है, बात किसकी हो रही है, LHB यानी वो रेड वाला कोच, वो जो रेड वाला कोच है उसकी बात हो रही है, यानी एडवांस वाला मैकेनिज्म है। तो इसमें भाई कपलिंग भी अलग तरीके से, एक्चुअल में जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सीडेंट होने पर इसकी जो कोचेस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे बाउंस अप नहीं हो सकती हैं, है ना। एक्सीडेंट होने के बाद वो साइड में गिर सकती है ऐसा कुछ है, बट बाउंस अप होकर ऊपर नहीं चली जाएगी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है इसमें। तो वो LHB के अंदर ये चीज़ होता है, उसके लिए कपलिंग जिम्मेदार होती है। चलिए कपलिंग की फ़ोटो देखिए तो याद हो जाएगा आपको। विशाल गैस नहीं कर रहे हो, है ना, कि गलत हो जा रहा है करके, आपने डायरेक्ट आंसर लिखा है ना, और विवेक ने भी आंसर लिखा है सी बी सी ऑप्शन ए। चलिए देखिए सीबी कपलिंग किसको बोलते हैं, इसको सीबी कपलिंग कहलाता है सेंटर बफर कपलिंग। सेंटर बफर कपलिंग, सेंटर में बफर जो है वो लगा रहता है। स्क्रू टाइप कपलिंग आप लोग बहुत देखे होंगे, ये ऐसे मज़ा नहीं आएगा, फोटो के थ्रू देखिए। लास्ट क्वेश्चन था तो इसका फोटो देखने में अभी सही लगेगा। ये देखिए, ये दोनों में अंतर है। ये बेसिक स्क्रू टाइप कपलिंग जो है ये आपको ऐसे दिखती है, ये साइड बफर्स दोनों जगह लगे होते हैं और यहाँ पर ऐसा स्क्रू अरेंजमेंट लगा होता है। ये आप ज़्यादातर ICF के अंदर ये देखते होंगे, ICF कोचेस में मैक्सिमम टाइम ऐसा ही वाला लगा रहता है। ये जो है ये कहलाती है सेंटर बफर कपलिंग, CBC। अभी जितने भी LHB कोचेस आ रहे हैं, LHB कोचेस के अंदर इसी टाइप की बफरिंग रहती है। ये इंटरलॉक हो जाता है, इसमें मैन्युअली किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि पहले क्या होता था कि एक पर्सन को यहाँ उतरना पड़ता था इस बीच में, है ना। ये बफर्स जो होते थे ये रोकते थे और वो पर्सन यहाँ पे खड़ा होता था, बहुत रिस्की जॉब रहती थी ये, बहुत रिस्की जॉब रहती थी। यहाँ पर एक पर्सन खड़ा होगा, लोकोमोटिव पीछे आएगी और यहाँ पर आके जब अटैच होगी फाइनली, तब फिर इसको ये टाइट करेगा यहाँ से घुमाते हुए, रिस्की पार्ट था। अब इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें अपने आप ये सेक्शन पास में जाता है और इंटरलॉक हो जाता है। जैसे ये टच होता है आपस में, जैसे प्रेशर पड़ता है, ये इंटरलॉक होकर रुक जाता है। तो इस कपलिंग की वजह से क्या होता है कि जब ट्रेनें चलती भी हैं तो आप एक कोच से दूसरे कोच के अंदर जब जाओगे तो इसके अंदर शेक बहुत कम होता है, ये बहुत ज़्यादा हिलता नहीं है। यहाँ पर प्ले ज़्यादा रहता था, यहाँ पर शेक जो है बहुत ज़्यादा होता रहता था, तो ये चीज़ से बच जाते हैं लोग। सेंट्रल बफर कपलिंग, बढ़िया। विशाल ने पूछा कि सर मोस्टली विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड इन रेलवे। एलएचबी से पहले तक तो यही कपलिंग ज़्यादा दिखती थी आपको, स्क्रू टाइप कपलिंग जो है ना विथ साइड बफर्स, यही कपलिंग बहुत ज़्यादा दिखाई देगी आपको, है ना। ये वैसे तो ज़्यादातर ये इस टाइप की कपलिंग जिसमें ऐसा इस तरीके का ऐसा हुक बना हुआ है ना, ये वाली कपलिंग आपको गुड्स ट्रेन में दिखती है नॉर्मली। तो ये गुड्स ट्रेन की कपलिंग है जिसमें ऐसा, इसमें भी बहुत टाइप का होता है, स्क्रू टाइप में भी ई टाइप होता है, एफ टाइप होता है, बी टाइप होता है, ऐसे अलग अलग टाइप की कपलिंग होती है। इसमें भी ऐसे वैरायटी होती है कि स्क्रू टाइप में ई कपलिंग, एफ कपलिंग, बी कपलिंग, ये उसके शेप के आधार पे होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी गुड्स ट्रेन का फोटो है, गुड्स ट्रेन का, क्योंकि ये जो सेक्शन लगा हुआ है ना, ये पैसेंजर ट्रेनों में इसका उतना इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉक क्रिएट करेगा जब लोकोमोटिव इसको पुल करेगी, तो इसलिए ये प्रिफर्ड नहीं रहता है। लेकिन ये नीचे जो आपको स्क्रू सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये रहता है लोकल, नॉर्मली दूसरे जो ट्रेनें होती है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, ये रिस्की रहती है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन को खड़े रहना पड़ता है इस जगह पर, जब इसको ज्वाइन करना होता है, कपल करना होता है, ये अपने आप खुद से ज्वाइन नहीं हो सकता। यहाँ पर एक पर्सन वेट करेगा, वो लोकोमोटिव धीरे धीरे पीछे आएगी, जब ये बफर्स से आकर के जब वो रुक जाएगी तब फिर वो पर्सन यहाँ पर ज्वाइन करेगा, तो एक रिस्क रहता है ना। उसका हाथ कहीं फंस गया बीच में, कहीं इस तरीके का। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आके लॉक हो जाएगा अपने आप पीछे करते हुए, तो ये आसान रहता है। हाँ ये वाला थोड़ा सा डेंजरस पोर्शन होता है, कभी आप यूट्यूब वगैरह पे इसका वीडियो देखिएगा, स्क्रू टाइप कपलिंग में किसी को जोड़ते हुए, तो आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकता है कि ये बड़ा खतरनाक है ना। इसमें भी ये जो गुड्स ट्रेन होती है ना, इसके अंदर भी स्क्रू टाइप कपलिंग यूज़ हो सकता है, बट इसमें वैरायटी अलग होती है। ये जो आपको ऐसा हुक जैसा दिखाई दे रहा है ऊपर, इसकी वैरायटी अलग होती है। ये पैसेंजर ट्रेनों में ऐसा हुक वाला सिस्टम नहीं यूज़ करते, क्योंकि अगर ये यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़ोरदार शॉक क्रिएट करेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी भी कोई गुड्स ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो पहले से लेकर आखिरी तक की पूरी बोगी में एक झटका लगता है, वो पूरे झटके की आवाज़ आपको बाहर तक सुनाई देती होगी। पैसेंजर ट्रेनों में, मेन लाइन ट्रेनों में ऐसी आवाज़ कहीं पर भी नहीं सुनाई देगी आपको। ये डिफरेंस होता है, इस कपलिंग की वजह से ये साउंड जो है आपको मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर अब एंड अप करते हैं। 15 क्वेश्चन के टारगेट पे हम लोग पहुँच गए। स्कोर कैसा रहा? आखिरी के ये 3-4 क्वेश्चन थोड़ा सा इक्वेशन बिगाड़े होंगे, अदरवाइज स्कोर बहुत अच्छा चल रहा था आप लोग का, तो एक बार मुझे ज़रूर से बताइएगा। आज पूरा इन्जॉय करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोग, है ना। लास्ट में ये सब फोटो देख देख के ये सब भी चला, शुरू में तो बहुत अच्छा मज़ेदार चल रहा था, अचानक से ये सब आ गया, ये बैटरी सब आ गई, ठीक है। तो बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्म किए, वेरी नाइस। 13 आउट ऑफ 15 विशाल, थैंक यू सो मच माय डियर। आप लोग इतने ध्यान से सुनते हो ना, इसलिए कोई भी मोटिवेट हो जाए कि प्रॉपर बताते हैं। लास्ट में गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में तो सीखने वाला पार्ट था, सीख लिए। ये सब अनयूजुअल वाले सब्जेक्ट्स हैं, अब अगली बार ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना गलत होंगे, अब तो सब पता है आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी सब नेक्स्ट सेशन में, कल शाम 7 बजे और सुबह 8:30 पर MCQ सेशन। दोनों ही सेशन MCQ हैं, सुबह वाले में थोड़ा सा बड़े MCQ क्वेश्चंस बनाते हैं, शाम वाले में आराम से, अभी तो इजी मॉडरेट लेवल पर चल रहे हैं, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे बड़े क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस होंगे। मिलते हैं कल आपसे, टेक केयर और अच्छे से सब रिवाइज करते रहिएगा। ये सब छोटे छोटे पॉइंट जो हम लोग पढ़ते हैं उसको डेफिनेटली आप प्रॉपर रिवाइज करेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं जाएगा, ठीक है। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।